बीएचईएल के डिप्टी डीएम की डेड बॉडी मिली है, कहां से डेड बॉडी मिली है, क्या पुराना? देखिए, ये कल शाम से घर नहीं लौटे थे। आज दिन में इनके परिवार के लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद से परिवार के लोग भी और हम लोग भी कॉल डिटेल के आधार पर और बाकी अन्य जो उनकी लोकेशंस हैं, जो रूटीन था उसके आधार पर उनकी तलाश कर रहे थे। आज शाम को ये सूचना मिली कि उनकी बॉडी यहाँ पर, ये सेक्टर 105 पड़ता है, यहाँ पर रोड के किनारे उनकी बॉडी देखी गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मर्डर का मामला नजर आता है क्योंकि गर्दन में एक गोली लगी है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है और हम लोग हर तरीके से छानबीन कर रहे हैं और जल्दी ही इस घटना का हम लोग अनावरण करेंगे। क्या नाम था जिनकी मौत हुई है, कहां से रहने वाले थे, क्या काम करते थे? ये बीएचईएल में, जैसा आपने अभी बताया, डिप्टी जीएम के पद पर, के डीजीएम के पद पर थे और यहां पर ये रहते थे नोएडा में और दिल्ली में जॉब करते थे। अमित नाम था इनका। कितने बजे की घटना है? अब देखिए, घटना तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कितने बजे की है क्योंकि जब घटना का अनावरण होगा तभी पता लग पाएगा कि कितने बजे की घटना है और क्या हुआ। लेकिन आखिरी बार जो उनकी बात हुई थी घर पे 8:30 बजे के आसपास, तो जाहिर सी बात है उसके बाद की ही घटना रही होगी।